प्रीतम लोधी के घर पर किसी भी सुख दुख के कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज का कोई भी शामिल नहीं होगा, ये कौन कह रहा है? ये कह रही है ब्राह्मण समाज की एक संगठन, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा हैं संगठन के। हम सीधे बात करेंगे, कौन है ये और ब्राह्मण समाज का कोई क्यों नहीं शामिल होगा? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। निवेदन ये है कि विगत दो दिन पहले प्रीतम लोधी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं तथा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के वो करीबी भी हैं, उनके द्वारा एक सभा में ब्राह्मण समाज को लेकर के अनर्गल और बहुत ही भद्दे भद्दे कमेंट्स और टिप्पणियाँ की गई, जिसको लेकर के पूरे ब्राह्मण समाज में रोष का भाव व्याप्त है और पूरा ब्राह्मण समाज क्रोधित है। ऐसा क्या कहा, कुछ बता पाएंगे आप? निश्चित तौर पर उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि पुजारियों को लेकर के कि वो पूजा पाठ करते हैं, 7 दिन 9 दिन पूजा करते हैं, पैसे मांगते हैं और हमारी माताओं और बहनों के ऊपर उन्होंने जो कटाक्ष किए वो आपके चैनल के माध्यम से हम नहीं बता पाएंगे, वो क्लिपिंग्स हैं पूरे सोशल मीडिया में। तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए और कोई भी हो, चाहे वह समाज में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, या एक अरस्तु का कथन है कि मनुष्य को समाज में रहना है तो समाज में को लेकर के चलना पड़ता है। तो पहले के ज़माने में या चाहे आज भी हम देखें तो समाज में अगर रहना है तो समाज को लेकर चलना है। हमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हम ब्राह्मण वंश में पैदा हो गए हैं तो छत्री से हम दोस्ती न करें, या उनके परिवार को हम अपनी उनकी बहनों को हम बहन ना माने, या वैश्य समाज या अन्य किसी समाज के। हम सब आपस में भाईचारे की भांति निवास करते हैं देश में और सभी लोग एक धर्म को लेकर के, चाहे वह हिंदू धर्म को के प्रवर्तक हों, चाहे अन्य किसी धर्म के प्रवर्तक हों, लेकिन एक समाज में जो एक ऐसा ताना बाना है, जो शिष्टाचारिक हम लोगों की नाते रिश्तेदारी होती है, वो निश्चित तौर पर समाज को एक प्रफुल्लित करती है, पुष्पित करती है। लेकिन ऐसे कतिपय लोगों जिन जो अपने आप को एक, मैं मीन मेंटेलिटी बोलूँगा, नीच बुद्धि बोलूँगा प्रीतम लोधी को, जिस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर के और भद्दे टिप्पणियाँ करी है, उसको लेकर के ब्राह्मण समाज में क्रोध का भाव व्याप्त है। इस नाते ब्राह्मण समाज ने यह कहा है कि जो प्रीतम लोधी का परिवार है, प्रीतम लोधी के यहाँ जो भी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसमें ब्राह्मण समाज उनका बहिष्कार करेगा। इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, क्या कुछ मांग थी? उसको लेकर के समाज ने और संगठन ने यह तय किया कि इनको भारतीय जनता पार्टी पहले तो प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित की करे। दूसरी चीज़, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आई है कि प्रीतम लोधी जी एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, 37 केसेस उनके ऊपर हैं, पंजीबद्ध है। तो ये मांग है कि उनके ऊपर रासुका एनएसए की कार्यवाही की जाए। ये अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र हमारे साथ में थे। इस पूरे मामले को लेकर के मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई थी और जो संगठन कड़ा विरोध कर रहा था उनसे हमने आप सब की सीधी बात कराई। इस प्रकार की खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए पंजाब केसरी पर। भोपाल से विवान तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।